हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे SIP और PPF प्लान के बारे में, कौन से प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सूटेबल है, किस में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, डिटेल में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। हम एक फाइनेंशियल प्लान की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर सारे ही सब्सक्राइबर प्रोफेशनल कोच से हैं, चाहे वो CA से हो, CS से हो या CMA से हो। इनके क्लाइंट को तो कंसल्टेंट सर्विस देनी पड़ती है, तो आप खुद तो जानिए कि SIP अच्छा है कि PPF आपके लिए अच्छा है, कैसे आप कंसल्टेंसी दोगे, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना तो और ज़्यादा डिटेल में आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। बात करते हैं दोनों के फुल फॉर्म के बारे में। SIP को आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में बोल सकते हो, और ऐसे ही PPF आपका होता है, वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। हम 9 पॉइंट से इसका कंपैरिजन करेंगे, 8 या 9 पॉइंट है कंपैरिजन करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट प्लान से लेके आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, यहाँ तक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट SIP की बात करो तो आप 500 रुपये या 200 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, इसके बाद कोई भी लिमिटेड नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप PPF की बात करो तो आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, SIP में आप हर महीने या साल में कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 10 दिन में, कैसे आप उनको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप प्लान ले सकते हो। लेकिन PPF में बस आपको 2 ही मौके मिलते हैं, या तो आप एक साल भर वाला प्लान लो कि साल भर में एक साथ जमा करा दे, या महीने में महीने महीने 12 की इंस्टॉलमेंट बांध लो तो उसमें आप जमा करा सकते हो। अब अगली बात करते हैं आपके रिटर्न के बारे में। जो SIP का रिटर्न होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इन कंपेरिजन अगर आप PPF देखो तो आपका रिटर्न फिक्स रहेगा, ठीक है। ऐसे PPF का 7.25, 7.50, 7.20 इतना ही रहता है, जबकि SIP का 10-12% चल जाता है, कभी कभी नेगेटिव में भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा आपका रहता है। अगली बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि SIP की क्या होता है कि आप इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी डाल दो, ठीक है, कितने भी टाइम के लिए डाल दो। इसके बाद अगर आप देखो PPF में, तो इसमें एक लिमिट है कि आपको 1.5 लाख रुपए तक ही डालने का मौका मिलेगा एक अकाउंट में, एक साल में सिंगल ईयर 1.5 लाख रुपए, ठीक है। बात करते हैं आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ये तो आपको पता ही है, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, सैलरी वाला चैप्टर और डिडक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप SIP की बात करो या PPF की बात करो, तो PPF जो सेक्शन 80C डिडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें PPF के जो अमाउंट आपको मैच्योर होता है तो वो एग्जम्प्ट रहता है। SIP के बारे में बात करें तो आप अगर SIP इन्वेस्ट करें ELPS में, इक्विटी लर्निंग पब्लिक स्कीम में, तो आपका एग्जम्प्ट रहता है 1.5 लाख रुपये तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट तो एग्जम्प्ट हो गया, दोनों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो मैच्योरिटी आएगी तो PPF आपका एग्जम्प्ट रह जाएगा पूरा 1.5 लाख रुपए तक, लेकिन SIP एग्जम्प्ट नहीं रहता, ये टैक्सेबल होता है। 10% कैपिटल गेन इसमें लगने वाला है आपके लिए। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क SIP में ज़्यादा रहता है, जबकि आपके PPF में कम रहता है, क्योंकि इसमें रिटर्न भी कम है, जिसमें रिटर्न कम उसमें रिस्क कम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कौन से प्लान आपके लिए बेहतर है, ठीक है। उसके बाद करते हैं लॉक इन पीरियड के बारे में। SIP में ऐसा कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, ठीक है, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी अमाउंट डाल सकते हो। लेकिन PPF में एक लॉकिंग पीरियड होता है 15 साल का, मिनिमम 15 साल के लिए आपको अपना अमाउंट होल्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप आगे तो कितना भी साल लेके जा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके 15 साल तक आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। SIP में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप कभी भी डालो और कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करते हैं अपन, कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है। मैं आपको बता ही दिया, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए करना है। लास्ट में जानते हैं आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। बहुत सारे बैंकों में, प्राइवेट बैंक में जाके आप PPF का अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और SIP का भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। SIP के तो आप यहीं से कर सकते हो। SIP का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ग्रो जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है उससे आप आराम से अपना काम निकाल सकते हो,
जबकि आपको पता है पीपीएफ के लिए तो ऑनलाइन आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक होते हैं जो पीपीएफ का अकाउंट ओपन करते हैं। एसआईपी आप यहीं से कर सकते हो। एसआईपी का मतलब क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्ट, और म्यूचुअल फंड रिस्क वाला रहता है लेकिन उसमें आपको रिटर्न भी बहुत मिलता है। पीपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है तो उसमें रिस्क कम रहता है लेकिन रिटर्न भी इसमें कम रहता है। बाकी अगर आप ऑब्जेक्ट देखना चाहो तो ऑब्जेक्ट तो आपके खुद के हिसाब से होगा। इन्वेस्टमेंट करना है आपको एसआईपी में, ठीक है, या आपको शेयर परचेज करने, तो ग्रो का मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, उसको डाउनलोड करना। मेरा लिंक से ही डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसमें, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज में मैं सिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग करना भी। बाकी अगर आपको डाउनलोड करना, उसको साइन अप करना, जब आप सीख पाओगे कि एसआईपी क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, आप अपने रिस्क पे ही इसको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना या एसआईपी में इन्वेस्ट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पस के लिए थी। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्स की वीडियो है वो तो रेगुलर आती रहेगी, इसके साथ ये फाइनेंस वाली वीडियो भी आती रहेगी। अगर आपको और फाइनेंस वाली वीडियो देखनी है, कंपैरिजन वीडियो देखनी है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू, आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।